तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड तथ्यों के बारे में जो आपको काफी यूजफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 के बारे में, यानी मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए कि वर्ष 2023 में मिस इंडिया कौन बनी है, इस तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। वो कौन है, कहां से संबंधित है, वो कैसे बनी, इन सभी पॉइंटों पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो मिस इंडिया प्रतियोगिता है इसके बारे में समझ लें कि मिस इंडिया अथवा फेमिना मिस इंडिया दोनों सेम ही एक ही है, एक ही नाम है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मिस इंडिया की जो प्रतियोगिता या फेमिना मिस इंडिया दोनों एक ही प्रतियोगिता है और ये भारत का राष्ट्रीय सौंदर्य खिताब है, ठीक है, जो वर्ष में एक बार दिया जाता है और इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है वो एक अंतर्राष्ट्रीय, यानी हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सौंदर्यता खिताब है। इस खिताब को जो भी महिला पा लेती है उसके बाद में वह अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेती है, जैसे मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई या मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई, उनमें वो भाग लेती है। पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2023 में जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का यह खिताब है ये किसे प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्ष 2023 में मिस इंडिया कौन बनी है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, वर्ष 2023 में फेमिना मिस इंडिया की जो प्रतियोगिता हुई है उसका जो संस्करण है वो 59वां संस्करण है। हम कह सकते हैं मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 है वो 59वें नंबर की है, ठीक है, इसका संस्करण 59वां है। इस फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो आयोजन है वो 15 अप्रैल 2023 को हुआ था और कहां पर हुआ था, इसका आयोजन स्थल है इम्फाल मणिपुर, ठीक है। यह इम्फाल के इंडोर स्टेडियम खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता 15 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो संस्करण याद रखना है, 59वां संस्करण है। पूछ लेता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 में फेमिना मिस इंडिया का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, तो 59वां संस्करण हुआ था और इसकी डेट याद रखनी है 15 अप्रैल, और ये मेन स्थान याद रखना है कि ये इम्फाल मणिपुर में आयोजित हुई थी वर्ष 2023 की फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि फेमिना मिस इंडिया 2023 में सम्मिलित प्रतिभागी कितने थे। तो याद रखना, इसमें भारत देश के 30 राज्यों की प्रतिभागियों ने क्या लिया था, भाग लिया था फेमिना मिस इंडिया 2023 में, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भारत की 30 राज्यों की क्या थी, प्रतिभागी थी, यानी इसमें इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाली प्रतिभागियों की संख्या 30 है, ठीक है। अब इसमें जो मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने, और ये राजस्थान के कोटा शहर से बिलोंग करती हैं, ये इसकी विजेता रही हैं वर्ष 2023 में, ठीक है। इनको इसमें इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विनर है वो कौन है, नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद में देखिए, जो प्रथम रनर अप रही, यानी प्रथम रनर अप का मतलब होता है जो दूसरा स्थान प्राप्त करता है प्रतियोगिता में उसको प्रथम रनर अप कहते हैं, और जो तीसरा स्थान प्राप्त करता है उसको द्वितीय रनर अप कहते हैं। तो इस प्रतियोगिता में जो प्रथम रनर अप रही, यानी जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, वो थी श्रेया पूंजा, जो दिल्ली से संबंधित है, और जो द्वितीय रनर अप है जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया इस प्रतियोगिता में वो है स्ट्रेला थोना ओजम लुवांग, जो मणिपुर राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। ये थी फेमिना मिस इंडिया 2023 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए कुछ पॉइंट ये भी याद रखने हैं कि वर्ष 2022 में, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 58वीं फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी। तो आपको बता दें, सिनी सदानंद सेट्टी बनी थी, जो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं, और सिनी सदानंद सेट्टी ने ही मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो नंदिनी गुप्ता को पहनाया, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो किसने पहनाया इनको ये ताज वर्ष 2023 का, तो सिनी सदानंद सेट्टी ने पहनाया, जो वर्ष 2022 में फेमिना मिस इंडिया रही थी। अगर हम बात करें कि भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया कौन थी, तो इसका सही आंसर है एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, भारत की पहली मिस इंडिया थी। ये थी फेमिना मिस इंडिया 2023 की कुछ बातें, और बातें देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। अगर हम देखें नंदिनी गुप्ता के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कि नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब महज 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने नाम किया है, और इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में क्या की है, पढ़ाई की है। अब देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर अगर हम देखें कि अब नंदिनी गुप्ता संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली ग्रैंड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत का क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया संगठन के अनुसार नंदिनी गुप्ता बिजनेसमैन रतन टाटा और
ब्यूटी क्वीन प्रियंका चोपड़ा से क्या है, काफी प्रभावित है, ये बात याद रखनी है। तो ये इनके जीवन में अगर इनसे इनसे पूछा गया था, संगठन में सवाल पूछे गए थे आपके जीवन का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन है, तो याद इन्होंने रतन टाटा का नाम लिया। उसके अलावा इन्होंने ब्यूटी क्वीन प्रियंका चोपड़ा से भी ये काफी प्रेरित और प्रभावित है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत से कौन प्रतिनिधित्व करेंगी, तो ये आपको बता देना है, फेमिना मिस इंडिया 2023 रही नंदिनी गुप्ता करेंगी, ठीक है। ये थी फेमिना मिस इंडिया 2023 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।